तो देखिए कुछ इस तरह हमारा घड़ी है और इसमें पानी चला गया घड़ी में। तो बोली दीदी लगा लो, तो मैं घड़ी लगाई हूँ दोस्तों। बहुत दिन के बाद दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। आप सब लास्ट तक वीडियो देखना, आप सबको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ मैं ये देखिए भुट्टा, इसका नाम मक्का भी है, इसको बाली भी कहते हैं। तो जा रहे हैं गैस से भूनने। तो वैसे कंडी का आग जो उबले बोलते हैं, गैस नहीं है भुनना भी। हाँ हम गैस से ही भूनेंगे। और देखिए एकदम से नरम सा है ये, तो गैस पे रख देंगे। तो लकड़ी में भूनते या कंडी के आग से तो बहुत अच्छा ये होता, वैसे ये गैस से तो उतना अच्छा नहीं भुनेगा, लेकिन फिर भी भूनना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये भून रहा है, एक साथ में दो रख दी हूँ ताकि जल्दी भुन जाए, गैस का थोड़ा बचत हो जाए। और बचत क्या होगा, गैस जब जल रहा है तो एक साथ दो भून देते हैं। तो आज हम भी तैयार नहीं हुए हैं, अंजलि भी तैयार नहीं हुई है और खाना बन गया है। तो अभी साफ सफाई करना बाकी, अभी मैं खाना भी नहीं खाई हूँ। तो सोची थोड़ा मक्का ये रखा हुआ है भून लेते हैं। और दोस्तों इस मक्के में दाना बहुत कम पड़ा हुआ है, तो चंदन ही पड़ोस से लाए थे और तो शाम को कुछ भूने थे, कुछ इस टाइम में भून रही हूँ। तो एकदम नरम सा मक्का है ये, तो नजदीक से दिखाओ चंदन। तो मैं आपको एक छील के दिखाती हूँ, बहुत कम दाना इसमें पड़ा हुआ है। तो मक्के से आवाज भी निकल रहा है, फूट रहा है। तो देखिए मैं छील रही हूँ इसको और इसमें दाना बिल्कुल ना के बराबर है, जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा ये है नहीं। तो देखने में तो ऊपर से लग रहा पूरा दाना भरा हुआ है, देखिए इतना इतना गैप है। तो ये देखिए, तो जिनके खेत में बुआई हुआ है उनका समझ लीजिए फसल अब की बार ये मक्के का खराब ही हो गया है ढेर सारा। तो देखिए बीच में दाना पड़ा ही नहीं और यहाँ पर दाना है, यहाँ पर है ही नहीं। तो पता नहीं बिया में कमी था कि बुआई में कोई कमी है। और मैं देखिए मेरा मक्का जल गया, एक बूंद दी और ये बात करते करते वीडियो के चक्कर में देखिए दोस्तों मक्का ही जल गया। तो कोई बात नहीं, इधर दाना था ही नहीं उतना, तो इसी तरह मक्का ये निकला है। तो इसी में रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं मक्का भून रही हूँ और मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ आप सबसे। चंदन बोल रहे हैं और चंदन के पापा भी बोलते हैं कि हम लाएंगे, क्योंकि हमारे गांव में मुर्गी सभी के घरों में पाले हैं। तो अंजलि भी कहती है मुर्गी ले आओ और हम चुनाएंगे, खाना भी ज़्यादा बढ़ता है तो बच जाता है और डॉग भी उतना नहीं खाते। तो चंदन बोले मम्मी हम सबके लिए मुर्गी खरीद दीजिए और हम खिलाए पिलाएंगे। तो मुर्गी वाला काम तो हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों, यही सब अगर करना चाहेंगे तो करेंगे, चंदन बोल रहे हैं पूरा करेंगे हम काम मुर्गी का, साफ सफाई देखभाल। तो और पढ़ने भी जाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे। तो चंदन वैसे लगभग कर नहीं पाएंगे, चंदन के पापा भी तैयार हैं। तो आप सब बताना कि मैं मुर्गी लाकर इन सबके लिए, ज्यादा नहीं दोस्तों बस 20-25 मुर्गी लाकर पालें कि नहीं पालें। तो दोस्तों यहाँ मक्के में नींबू लगने जा रहा है और आप सबसे मैं जो बात पूछी हूँ कि मुर्गी पालन करने के लिए बोल रहे हैं खाना बचता है। तो वैसे दोस्तों मैं पहले भी बताई, चंदन के पापा खाते थे और बनता नहीं है, जैसे कहीं बाहर और खा लेते थे पहले, उतना यहाँ हमारे घर बनता भी नहीं है अब। तो खाने के लिए नहीं दोस्तों, उसको पाल के बेचने के लिए
बोल रहे हैं चंदन कि मम्मी खाली समय पड़ा रहता है तो मुर्गी पालन कर लेते हैं और थोड़ा उससे उससे कुछ इनकम हो जाएगा तो आगे कुछ और करेंगे। तो ये चंदन का सोच है, आप सब बताना चंदन सही कह रहे हैं कि गलत। मुर्गी पालना तो हमारे आसपास में सभी घरों में करीब 10 मुर्गी, किसी के पास 20-25, ऐसे ऐसे करके सभी लोग लिए हैं। और एक मुर्गी के बच्चे का दाम 100 रुपया है। तो इकट्ठा लेते हैं तो कुछ वो भैया आते हैं जो कम कर जाते हैं। तो हम थोड़ा हमें अटपट लग रहा है ये काम, लेकिन अब इन सबका मन है करने के लिए, लेकिन आप सब बताना फिर हम लाएंगे नहीं तो नहीं लाएंगे। तो यहाँ नींबू लगा दिए हैं पूरे मक्के में और सब लोग खाने के लिए तैयार हैं। नमक लगा देते हैं, मिर्ची नहीं लगाएंगे क्योंकि बच्चे खाएंगे तो तीखा लगेगा। तो यहाँ नमक लग गया तो ज़्यादा नींबू भी नहीं लगाएंगे। ये लो गुंजन, तो किसी के खा लीजिए भुट्टा। हाँ भुट्टा आप सब आकर खा लीजिए, बुला रहे हैं। यहाँ हम सब भी खाने जा रहे हैं, चंदन के पापा घर पे हैं नहीं, कहीं गए हैं और खाना बन चुका है। अंजलि भुट्टा खाना है, आए खाना है अंजलि, ये लो। तो यहाँ सब भुट्टा खा रहे हैं, हम डब्बा बंद करके रख देते हैं और साफ सफाई पूरा कर लेते हैं घर का, फिर आप सबसे मिलते हैं। दोस्तों यहाँ मैं खाना खा रही हूँ, दाल चावल और एक रोटी ली थी, टमाटर का सब्जी बना हुआ है। तो टमाटर का सब्जी, आलू का सब्जी, तो दोस्तों इसमें तेल बहुत कम पड़ा है, मसाला भी कम पड़ा है और रोटी खा चुके हैं। तब चंदन जाकर दिखाए, बोले लाओ मम्मी दिखा देते हैं, खा रही हूँ। तो सादा दाल है दोस्तों, सिर्फ जीरा भुना गया है उसमें डाला गया है। और हमारी भाभी एक चीज और दी है, मैं आप सबको नहीं दिखा पाई, देखिए घड़ी में लगाई हुई हूँ और अच्छा खासा, मतलब ये घड़ी थोड़ा अलग टाइप का है, पहले मैं लगाया करती थी स्कूल के टाइम में, और ये करीब 10-11 साल हो गया होगा मैं घड़ी लगाई ही नहीं। तो देखिए कुछ इस तरह हमारा घड़ी है और इसमें पानी चला गया घड़ी में। तो बोली दीदी लगा लो, तो मैं घड़ी लगाई हूँ दोस्तों बहुत दिनों के बाद। और अब घड़ी का क्या काम रहता है, मोबाइल में टाइम वैसे ही दिखता है कितना बजा कितना नहीं। और दीवार पर भी घड़ी लगा है, संजय भैया दिए थे तो लगाई हूँ। तो दोस्तों मैं खाना खा चुकी हूँ और तो यहाँ मैं दवा खा रही हूँ और खाना खा ली हूँ। तो शायद इसमें से 15 दिन का दवा लाई थी, ख़त्म होने वाला है वैसे 4-5 दिन का दवा है। तो इतना बड़ी बड़ी गोलियाँ, तो क्या करें दोस्तों, खाना पड़ता है। तो दोस्तों मैं दवाई खाने जा रही हूँ, आजकल ज़्यादा वीडियो में बना नहीं पाती, थोड़ा इसमें दवा में नींद की गोली रहती है तो हम ज़्यादा दिन में कभी कभी सो भी जाते हैं। तो नींद की गोली इसलिए दिया जाता है दोस्तों, घबराहट ज़्यादा रहता है, दर्द भी ज़्यादा रहता है इसीलिए। तो शायद आप सब देखिए ये वाला नींद की गोली होगी ये वाला। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। 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 नमस्ते।